जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ तुला राशि का कैसा रहेगा जून का महीना। क्या जून के महीने में सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं पर सफलता नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जून के महीने में ऐसे कोई योग हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दें और वो क्लियर हो जाए? क्या मेरी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब है? बहुत प्रयास कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ सरकारी नौकरी के लिए और मुझे तो करनी ही सरकारी नौकरी है, प्राइवेट जॉब या बिजनेस मुझे करना ही नहीं है। तो ऐसा क्या करें जिससे कि आपको सरकारी नौकरी ज़रूर मिले? तो यदि आपकी तुला राशि है, तुला लग्न है या आपके नाम से तुला राशि बनती है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और हाँ, अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे क्लिक करें। तुला राशि का क्या जून के महीने में सरकारी नौकरी का योग बनता है, एग्ज़ाम देना है, क्या एग्ज़ाम अच्छा रहेगा, क्या मुझे सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए, मेरे लिए सरकारी नौकरी अच्छी रहेगी? यदि आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो सबसे पहले हम गोचर स्थिति जानेंगे। अगर आपकी गोचर स्थिति सरकारी नौकरी के अनुसार अच्छी है तो आपको सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। इसके साथ ही अगर आपकी जन्म पत्री में सरकारी नौकरी के योग स्ट्रांग हैं तो आपको सरकारी नौकरी ज़रूर मिलेगी। तो सबसे पहले गोचर के अनुसार देख लेते हैं क्या स्थिति बन रही है। यहाँ आपके लग्नेश शुक्र हैं जो कैरियर हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र के अनुसार तो सरकारी नौकरी का योग अच्छा बन रहा है। परंतु सरकारी नौकरी के लिए सूर्य का गोचर स्थिति के अनुसार और जन्मपत्री के अनुसार स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि योग तो बन रहा है पर आपको बहुत मेहनत करनी होगी। पूरा कॉन्सेंट्रेशन और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको सरकारी नौकरी का प्रयास करना होगा, तभी आपको सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। यहाँ आपके भाग्य के स्वामी बुध हैं जो सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में राहु के साथ गोचर करने की वजह से लक भी आपका पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो गोचर के अनुसार आपको उपाय करने होंगे अगर आप चाहते हैं जून के महीने में आपका सरकारी नौकरी से संबंधित कोई एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए और यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिले। उपाय बताऊँगी, क्या उपाय हैं वीडियो के अंत में बताऊँगी, उपाय ज़रूर करिएगा। अब यहाँ सरकारी नौकरी गोचर के अनुसार तो बन रही है, स्ट्रगल है, मेहनत है पर योग बन रहा है। अब आपने देखना है अपनी जन्म पत्रिका को, अपनी जन्म पत्रिका में लग्न चार्ट खोलिए और वहाँ पर देखिए आपके लग्नेश की, आपके 10th हाउस की, 9th हाउस की क्या स्थिति है। अगर इनके स्वामी ग्रह लग्न में पंचम भाव में 9th हाउस में, 10th हाउस में और 11th हाउस में बैठे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है सरकारी नौकरी की। इसके साथ ही साथ आपने सूर्य की स्थिति देखनी है कि सूर्य आपकी जन्मपत्री में स्ट्रांग है या नहीं। यदि सूर्य आपके लग्न में बैठे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, दशम भाव में बैठे हैं तो बहुत ही उत्तम योग बन रहा है और आपको सरकारी नौकरी ज़रूर मिलेगी। अब यहाँ हमने जाना कि गोचर के अनुसार भी सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं जून के महीने में और जन्मपत्री भी कह रही है कि सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं। क्या जून में बन रहा है, कैसे जानेंगे? तो इसके लिए आपने महादशा वाला पेज खोलना है। इसमें देखिए आपके सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जून के महीने में कब आ रही है। उसके साथ ही साथ आप अपने 10th हाउस की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा भी देखेंगे। दोनों दशाएं आपको जिस तारीख से मिल रही हैं जून के महीने में वो समय है आपकी गवर्नमेंट जॉब का, वो समय है आपका सरकार से संबंधित कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग क्षेत्र में एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी सरकार से संबंधित नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो तारीख से आपका समय बहुत अच्छा है। प्रयास करिए, सरकारी नौकरी आपको ज़रूर मिलेगी। अब योग बन रहे हैं पर वो योग वीक बन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या उपाय करेंगे? क्योंकि गोचर के अनुसार आपके भाग्य के स्वामी राहू के साथ बैठे हैं, गुरु बृहस्पति राहु के साथ बैठ के गुरु चंडाल योग बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या उपाय करेंगे? आपने जून के महीने में इत्र परफ्यूम लगाना शुरू कर देना है। रोज़ आप इत्र परफ्यूम यूज़ करेंगे और अपने पास इत्र ज़रूर रखेंगे। छोटी छोटी इत्र की बॉटल्स आती हैं, उसे अपने पॉकेट में, अपने पर्स में ज़रूर रखिए।
इसके साथ ही आपने स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड रोज़ खिलाना है। अभी आप सुबह शाम भी खिला सकते हैं या सुबह भी खिला सकते हैं, बस आपने स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करनी है। इसके साथ ही आपने जून के पहले बृहस्पतिवार को पीले रंग का धागा 7 बार अपने हाथ में बंधवाना है। अब ये धागा आप ब्राह्मण से भी बंधवा सकते हैं, अपनी मदर से भी बंधवा सकते हैं या अपनी सिस्टर से भी बंधवा सकते हैं, और इसको आपने बांध के रखना है। अपने स्टडी टेबल पर एक छोटी सी गणेश जी की प्रतिमा, फोटो या स्टैचू रखिए और उन्हें रोज़ आपने दुर्वा अर्पित करनी है और देसी घी का दिया जलाकर ओम गण गणपते नमः का 108 बार जाप करना है। ये उपाय करिए, गवर्नमेंट जॉब के योग बन रहे हैं, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। थोड़ा सा स्ट्रगल है, मेहनत है, और ये उपाय करिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो सकती है। यदि आपकी कोई प्रश्न है तो वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।